अरे तुमरा तो बहुत अच्छा ही जाने था बाद में देख कैसे मार सकते हैं। और तो वही है ना साहब नरवीर बाबा के बाद हाँ। अरे साहब कैसे मार देखते हैं आप तो नरवीर बाबा को एक एक पैक शराब पिलाते हैं तो मुझे कैसे मारेंगे। और तो बहुत अच्छा ही जाने कैसे बताओ फोन क्यों नहीं किया फोन तुमने नहीं किया फोन सारे तुमने क्यों नहीं किया। क्या बकवास कर रहा है सुल्तान भैया पुलिस पकड़ ले गए मेरे बेटे को अपने मालिक की हरी हरी मारी क्यों ऐसा नहीं हो सकता ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा कौन सा अधिकारी आगे जिससे हमारे प्रेमित कर दिया है न अधिकारी रहेगा न थाना रहेगा क्या हमारे साथ बहुत अच्छा किया। देखिए सुखिया जी हमारे पास इस पत्र के अलावा दूसरा कोई सबूत नहीं है और ये साला कभी कहता फोन किया कभी कहता नहीं किया। अगर अदालत में इसी तरीके से बोलेगा तो छूट जाएगा क्योंकि इसका बाप बहुत बड़ा भी है इसके बाप का सारे शोर बड़ा लंबा है शोर शोर क्या शोर पावर हाँ वह तो कल तो इसलिए मैं जा रहा हूँ अदालत और वहाँ से 10 दिन की रिमांड लेकर आऊंगा 10 दिन इसे थाने में रखूंगा साले को जम के पीटूंगा तब साला सर सर कबूल करेगा। ठीक है लेकिन एक काम करना जब तक मैं वापस ना आऊंगा साले को खाना देना ना पानी देना अगर बकवास कर जम के पीटा दूंगा। ठीक है ना खाना दिया ना पानी दिया वो सब भी आधा किलो दूध दे दिया वो सांप है और सांप को दूध नहीं पिलाया जाता सांप को दूध पिलाने से उसका जहर बढ़ता है। हाँ यह बात तो सही है तो उसे खाना खाई कुछ कर देना बकवास कर पिटाई करने में कसम मत लगाना। ठीक है जी सरगे बार को और हम दोनों की ड्यूटी आके बहुत अच्छी तरीके से ड्यूटी लगा चाहिए। ठीक है ठीक है क्या कहा तुमने क्या कहा तुमने जवान बहुत चलती है हमने कहा गया तेरा साहब बाहर गया बाहर चला गया बाहर चला गया जानते किसका बेटा है मेरा सर असम
रुपया करोड़ का बेटा है और स्थान में कोई अधिकारी नहीं है, सबको सत्य करवा दूंगा और स्थान में सुअर करवा दूंगा। सुअर चलवा दिया और अपने शाह से बता देना, अगर शाम तक हमारा बेटा हरेली नहीं पहुंचा तो स्थानीय ईद की बता दूंगा। समझे? अच्छा तुम ये जइयो तो कल पैसा ले हम अच्छा तो हमको जाने के पैसे के बस सारे उठाएंगे। चलो हवेली थाने से बात करो, हवेली में तो सारे तुझे अभी बताता हमारे क्या लेकर गया है? पता नहीं कौन लेकर गया है, ये क्या कर रहे हो? काम आसानी हो गया। अच्छा देख, किशनगढ़ थाना इंचार्ज आपको मालूम होना चाहिए, जिस मंजिल को गिरफ्तार करके ला ब्लड प्रेशर का मरीज है, कहीं थाने में खप हो गया तो उसके साथ साथ आप लोगों की नौकरी जा सकती, जेल हो सकती है, इसलिए खप पाते से तुरंत छोड़ दिया जाए। ये तो डीआईजी साहब का पत्र है। डीआईजी साहब का पत्र सुमला जी, डीआईजी साहब का ये पत्र और वो ब्लड प्रेशर का मरीज भी है। अगर थाने मर गया तो हम दूर नहीं है, शुक्ला जी दिया जी तो आपका पात्र है और सुल्तान सिंह बहुत बड़ी बड़ी बाप का बेटा है, क्यों ना हम लोग उससे कुछ पैसे ले लें? बहुत अच्छा रहेगा। अच्छा रहेगा, जाओ से लेकर आओ। बेटा मैं तुम्हें छोड़ सकती हूँ, ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, इसकी तुम्हें कीमत देनी होगी। कीमत? हाँ। कितना? ज्यादा नहीं, सिर्फ 20,000। ये ज्यादा नहीं? अरे मैडम, 2,000-4,000 ले लीजिए। फालतू की बात कर रहा है सुधा जी, ये ज्यादा ना हो। अरे भाई, अरे नहीं, हाँ तो बहुत जल्दी ना हो जाती। ठीक है ठीक है, पैसा मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पैसे लेकर तो आया नहीं, मुझे आजाद कीजिए। हवेली पहुंचते ही परसों पैसा आ जाएगा। परसों? परसों पैसे मिल जाने चाहिए। वादे का बिल्कुल पक्का हूँ। हाँ, किसी को कारोबार खबर भी नहीं होना चाहिए। नहीं होगी, नहीं होगी। सुनिया जी, हाथ पैर खोल दो। पिताजी ने कमाल दिखा दिया। सर, मैं ब्लड प्रेशर का मरीज हूँ। क्यों? आप लोग को जेल ले जाने वाले थे। अपना प्लान कैंसिल है, यानी मुझे आजाद कर दिया। आज मैं आप लोग पर बहुत खुश हूँ सर, क्योंकि आप लोगों ने हमारी बहुत सेवा किया है। आज हाथी हो गया, लेकिन साहब सिर्फ एक बार मुझे भी सेवा करने का अवसर दो। तुम्हारी और सेवा करूंगा कि क्या बताएं? वो काम सेवा जो बात की करूं। अरे तुम्हें खिलाएंगे और पिलाएंगे, या खिलाए वाली बात तो समझ में आ, पिलावे वाली बात नहीं समझ में आवत है। शराब पिलाएंगे हम, कल क्या पिलाई हो? गलत दिया है इनको भी लेकर उनका चाहे गलत नहीं है, तुम्हारे पता जब के देखूंगा इतना गंदा है। अरे मैं बहुत सारी खानदान तुम्हारे माथे में लिखा देती हूँ। लिखा होगा, पढ़ा लिखा है ना तू? अकेले हो गए? हाँ। कब आओगे? तुम तुम्हारे नहीं आता रहा बड़ा धनी, तुम्हें आ जाओगे। हाँ ठीक है, आप बोलना नहीं था आज जरूर था। हाँ नमस्कार, तेरे नाम का कुत्ता पाल।
देखो कहके तू पागल आ गए क्या चुकिया जी हैं? हम लोगों ने उनसे छोड़ के दिया ही मनुष्य आएंगे अच्छी तरीके से समझा देना और डी आई जी साहब का पात्र दिखला देना ठीक है बहुत अच्छा जी। हाँ अदालत से मुझे 10 दिन की रिमांड मिल गई है सुल्तान सिंह को याद रखने की। अब 10 दिन यहीं पर रखूंगा सारे कुछ आपकी बेटूंगा उसके बाद जो बयान देगा उसको रिकॉर्ड करूंगा फिर अदालत में पेश करूंगा। जाओ सुल्तान सिंह को लेकर बाहर लेते हैं उसको अभी हमने छोड़ दिया जी। अभी जमा किया था उसको छोड़ दिया क्यों छोड़ा पैसा कहाँ देगा तू रिश्वत लेकर के मुझे छोड़ता हरा और मैं तुझे ईमानदार समझता था। इनके कहने को छोड़ा मंत्री तो कहीं प्रिय भाई ये मंत्री है लिखा देखे क्या पढ़ा पढ़े देखे क्या लिखा थाना इंचार्ज किशोरगढ़ आप मालूम होना चाहे जिस बुजुर्ग को कैद करके लाए ब्लड प्रेशर के मरीज है अगर थाने में घटवा तो आप लोगों की नौकरी भी जा सकती है और जेल भी हो सकती है इसलिए पत्र पाते ही उसे तुरंत छोड़ दिया जाए। तेरी अकल कहाँ है? तू पागल है बेवकूफ है? जब पत्र था तो पहले क्यों नहीं बताया? पहले बताया तो मार दूँ कहाँ से? वहाँ थाने क्या करेंगे? आपका तो मेरे की बंधन का दूर हो गया छुपा दे रहे हो चल आ इधर निकल के 3 किलोमीटर जी हमको तो लगता है कि कत्ल इसी ने किया आपका फुके सुखे आहार का सुखे आहार एक राम लगे लगता है इसके पीछे किसी को लगा दो ये कहा जाता क्या करता पूरी रिपोर्ट मिलनी चाहिए लगा रेखा सिंह लगा थी लेकिन साला बात कमीज कहूँ रखा दुकान न खरीदी है दुकान क्या है आप समझाइए तो कही गए पुलिस ऑफिसर इसके दुकान रखेगा अरे इसने पुलिस ट्रेनिंग किया चार्ज कम देश के लिए कुछ नहीं है। हाँ इनके कहीं चार्ज कम उनका कहाँ जाओ तेरा मतलब क्या जो हम तुम आप वहाँ तो कहीं था अरे चार्ज छह गुंडों को हरा सकती है लड़ सकती है और हम कहा हराओ कहा हो यहाँ हो तो काम का चढ़ा लिया तेरा दिमाग खराब है। सुना जी पैसे की बात किसने की थी पैसे बात नहीं की 20,000 का की देखा मैं तो समझता था कि मेरे साथ ईमानदारी की ड्यूटी करती है। हाँ ईमानदारी की तो ड्यूटी चल रही है। अच्छा इसीलिए 20,000 रुपए तय करके उसे छोड़ा छोड़ने तो ठीक ठाका तो मिला था लेकिन ये 20,000 रुपए लेने के बाद पैसे जहाँ तक पैसे जानता हूँ इसने 10,000 रुपए पे ठोकर मार दिया था बोला था 1,000 रुपए में 5 लाख का ठोक देता हूँ हम 10-20 रुपया ले ज्यादा नहीं है समझी और 20-20,000 रुपए लेते तो मैं ईमानदारी की नौकरी में नहीं पूरा पड़ता है तुम्हारी रिपोर्ट बना के मैं हेड ऑफिस भेजूंगा सस्पेंड करवा दूंगा चलो सुखा जी तुम सुल्तान सिंह के पीछे पीछे जाओगे क्या करता कहा करता अगर कोई उल्टा सीधा काम करेगा इस बार की यात्रा नहीं करूंगा साले को एनकाउंटर करूंगा और बस चलिए सुल्तान सिंह को कैद रखेगी पुलिस अरे सुल्तान सिंह कोई पकड़ी का बच्चा है जो दौड़े उसे पकड़ लिए सुल्तान सिंह आजाद का चेहरा कभी इकलाब पड़े था तो कभी उसका पड़े था सुल्तान सिंह वो फौरा है कभी फूल पर तो कभी फूल पर हर फूलों की सुगंध लिया करता है ठाकुर सुल्तान सिंह लेकिन क्या करूं यार जब कोई लड़की हमारे पास नहीं रहती है तो रात को नींद नहीं आती है आखिर दूसरी लड़की तलाश करूं तो कहां क्योंकि हमारी रियासत में खूबसूरत लड़की को नजर नहीं लगा रही है सोचना पड़ेगा
याद आया, हाय हमारी बस्ती में सिर्फ एक ही लड़की है जो काफी खूबसूरत है, जवानी से भरपूर, और वो है लाखा सिंह की चाहने वाली राधा। राधा एक बहुत खूबसूरत लड़की है, क्योंकि गुल खिले होंगे चमन में, भौरे आएंगे जरूर, और उनकी खुशबू के लिए चक्कर लगाएंगे जरूर। मुझे भी पता है कि राधा मिलेगी तो सिर्फ लाखा सिंह के मकान में मिलेगी। राधा तू मेरे दिल में बस चुकी राधा, आ रहा हूं मैं तुझे अपने दिल की रानी बनाने के लिए। लेकिन इनके घर पर तो ताला लगा हुआ है, अखिलो कहता हूं
ये ताला हमारी मर्जी से लगा है। तुम्हारी मर्जी से? क्यों?